हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशीज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी चल रहा है बारिशों का मौसम, और बारिशों के मौसम में किसको पसंद नहीं आते हैं पकोड़े। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही चटपटे और बहुत ही डिलीशियस दो तरीके के पकोड़े, जो कि बहुत ही आसानी से हम बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू के पकौड़े हैं और यहाँ पे प्याज के पकौड़े हैं। बहुत ही कुरकुरे हैं, बहुत ही क्रंची हैं और बहुत ही आसानी से हम बना के तैयार कर लेंगे। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी और इस बारिशों में तो आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनको। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की सारी अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने आलू और प्याज ले लिए हैं। आलू प्याज के हम पकोड़े बनाएंगे आज। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज को इस तरीके से लच्छों में काट लिया है और आलू को भी इस तरीके से पतला पतला काट लिया है, और आलू को मैंने पानी में डिप किया है अच्छे तरीके से, ताकि काला ना हो जाए। तो पतला पतला काटिएगा, जितना हो सके आप पतला काटिए, पतला काटने से ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और क्रंची बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे आपके पकौड़े। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक ग्लास के करीब पानी बॉईल करने के लिए रखा है और उसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और इसके बाद देखिए, जैसे बॉईल आ जाएगा पानी के अंदर, तो इसके अंदर हम आलू डाल देंगे जो हमने पतले पतले काटे हैं। ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, आप इस स्टाइल से एक बार आलू के पकौड़े बनाइए, आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। ये करने से फ्रेंड्स क्या होगा, हमारे जो आलू हैं अंदर तक नमकीन भी हो जाएंगे और थोड़े से पक भी जाएंगे। और आलू डालने के बाद गैस को हम बंद कर देंगे, बस हमको बॉईल करना था पानी को। और अब इसको हम 5 मिनट तक इस पानी में ही रहने देंगे आलू को, उसके बाद निकाल लेंगे। तो आइए बैटर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के करीब बेसन लिया है और यहाँ पे मैं बारीक वाला बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ, मोटा बेसन नहीं लेना हमें इसके लिए। और यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच के करीब चावल का आटा भी इसके अंदर डाल रही हूँ। चावल के आटे से क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप चावल का आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं 2 चुटकी के करीब हींग डाल रही हूँ। नमक डाल देंगे हम इसके अंदर स्वाद अनुसार। और इसके अंदर 1 छोटा चम्मच के करीब मैं लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच ही मैं इसके अंदर अमचूर का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैं मिंट पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इस तरीके से पुदीने का, सूखे पुदीने का पाउडर होता है, बाज़ार में भी मिलता है, मैंने घर पे बनाया है। इससे ज़्यादा टेस्टी लगेंगे हमारे पकौड़े। और इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, 1/2 छोटा चम्मच के करीब गर्म मसाला मैंने डाला है। गर्म मसाला डालने से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच के करीब खौलता हुआ गरम तेल। गरम तेल डालने से जो फ्रेंड्स हमारे पकोड़े हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर हम डाल के इसका बैटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, नहीं तो लम्ब्स पड़ जाएंगे। तो एक बार अच्छे से इसको स्मूथ कर लेने के बाद आप इसके अंदर ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और हमको इसका मीडियम थिकनेस वाला घोल बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। इतना करना है कि आलू पे और प्याज पे अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। और अभी मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया और यहाँ पे देखिए आलू मैंने इस तरीके से जो है छान लिए थे पानी में से। पहले हम आलू के पकौड़े बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से डिप करेंगे तो ये बहुत ही पतली सी कोटिंग है जो आलू के ऊपर हो जाएगी, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसको हम मीडियम गर्म तेल के अंदर डाल देंगे फ्राई करने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से हम एक एक करके आलू डाल देंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा फ्राई मत कीजिए, ये हमने बहुत पतले काटे हैं फ्रेंड्स। और ये इसको हमने गर्म पानी में भी डिप किया था तो ये थोड़े बहुत अंदर से पके हुए भी हैं, सॉल्टी भी हैं अंदर से। तो ये जो है बैटर के अंदर हमने चावल का आटा भी डाला है तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है क्रिस्पी बनेंगे, क्रंची बनेंगे जो पकोड़े हैं। ये अक्सर शिकायत होती है लोगों की कि उनके जो आलू के पकोड़े हैं वो सॉगी हो जाते हैं। आप इस तरीके से बनाइए, आपके कभी भी सॉगी नहीं बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है आलू के पकौड़ों पे। इनको मैं निकाल लेती हूँ, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। बिलीव मी, बारिश का सीज़न हो और पकौड़े मिल जाए तो मज़े मज़े ही आ जाते हैं। मतलब
और इसके बाद देखिए ये बैटर है, इसके अंदर हम प्याज डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज के लच्छे काटे थे, इस तरीके से खोल के हम प्याज के लच्छे बना लेंगे। इन लच्छों को हम बैटर में डाल देंगे और इस तरीके से देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्याज के लच्छों पे बैटर कोट हो जाता है। और ये आप एक एक रिंग है जो फ्राई कर सकते हैं प्याज की, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बिलीव मी। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा प्याज के पकोड़े इस तरीके से, आपको बहुत पसंद आएंगे। और एक एक खुला खुला देखिए इस तरीके से पकोड़ा बनेगा, देखने में ये जितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं उतने ज़्यादा टेस्टी और क्रंची भी होते हैं, कुरकुरे भी होते हैं। तो ये देखिए अलग अलग करके हमने डाल दिए हैं, अब इनको भी गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही अच्छा सा ब्यूटीफुल सा गोल्डन कलर आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बने हैं, तो इनको आप निकाल लीजिए। और बारिश के सीज़न में प्याज के पकोड़े और चाय मिल जाए तो वाह मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने इनको निकाल लिया है तेल में से, ये बहुत ही अच्छा इनका गोल्डन कलर आ गया है। और अभी मैंने इनको सर्व किया है ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस के साथ, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। आप ज़रूर से ज़रूर इस बरसात के सीज़न में इनको ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आलू के ज़्यादा अच्छे लगे पकौड़े कि प्याज के ज़्यादा अच्छे लगे। मुझे वैसे पर्सनली प्याज के पकौड़े बहुत पसंद हैं। और आपको और भी अगर कोई पकोड़े की रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मैंने इसके अलावा और भी स्नैक्स की रेसिपीज़ के लिंक दिए हैं, तो वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में, ताकि वो भी बना के इंजॉय कर सके। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं हमेशा से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स ये कुछ दूसरी रेसिपीज़ हैं हमारे चैनल की जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।